दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी के शंभुआर हाई स्कूल में है और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दो खेलों का प्रतियोगिता यहाँ हो रहा है, हैंडबॉल और रग्बी। दो खेल, क्रिकेट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन हैंडबॉल और रग्बी को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जिस तरीका से यहाँ जो है प्रतियोगिता रखा गया है, कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि बच्चों के लिए एक अच्छा आने वाला समय में एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है बच्चे लोग भी या बच्चे लोगों से भी बात करेंगे और सर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रग्बी और हैंडबॉल कौन सा खेल है। हमारा नाम हरे राम रमन, प्लस टू जनता उच्च विद्यालय बेलहा। यहाँ बच्चे को लेकर के अंडर 19, अंडर 17, अंडर 14 बच्चे को रग्बी खेल के लिए लाए हैं और बहुत बढ़िया बच्चे सब प्रदर्शन। ये बच्चे जो है अलग अलग जगहों से हैं या एक ही जगह से? अलग अलग जगहों से बच्चे हैं, जैसे रीजनल सेकेंडरी स्कूल से हैं, पोल स्टार रईका से हैं, RN कॉलेज से हैं, प्लस टू जनता उच्च विद्यालय बेलहा से हैं। अच्छा, यहाँ से जो बच्चा अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो वो आगे कहाँ जाएंगे? आगे जो है राजस्तरीय खेल जो 2 से 5 तारीख के बीच में नवंबर में होने वाला है उसमें भाग लेंगे। वहाँ भिन्न भिन्न स्टेट से बच्चे रहते हैं, उसमें अपना प्रदर्शन करेंगे और उसमें सिलेक्शन हो जाने के बाद जो है नेशनल में जाएंगे। तो ये बच्चे लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं? रग्बी का खेल खेल रहा है अभी। रग्बी का? हाँ, रग्बी। चलिए बच्चों से भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद महराज है, मैं कोच हूँ। मैं बॉम्बे से आया हूँ यहाँ पे रग्बी सिखाने के लिए। अच्छा, मुंबई से आप आए? यस सर, मैं नेशनल प्लेयर खेल चुका हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी मैं मुझे रग्बी सिखाना है तो मैं बच्चे लोगों को कोचिंग कर रहा हूँ। ये लोग का डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, ये लोग स्कूल टूर्नामेंट है सर। अभी यहाँ पे जो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो लोग गया जाएंगे नेशनल के लिए। अभी हम लोग मतलब यहाँ पे तो बिहार में ये गेम को कुछ मतलब तक उतना मतलब मानता नहीं है जो क्या गेम है क्या नहीं। तो इसके लिए हम लोग जो भी बच्चे लोग हैं, 2-4 बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं, अभी देखते हैं यहाँ से हमारे को क्या सपोर्ट मिलता है और क्या स्पॉन्सर मिलता है जो हम लोग ये गेम को ऊपर लेके जा सके। क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत मतलब स्पॉन्सर नहीं है, हम लोग का ग्राउंड नहीं है, बच्चे लोग का किट नहीं है, काफ़ी चीज़ नहीं है, बॉयज़ मतलब ऐसा बॉयज़ लोग के पास बहुत चीज़ नहीं है, गेम ही नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं जो रग्बी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए, जैसे आज हमारा क्रिकेट है, फुटबॉल है, हम लोग ओलंपिक में भी जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग भी रग्बी में यहाँ से भी हमारे बिहार से भी काफ़ी बच्चे जाएंगे नेशनल इंटरनेशनल खेलेंगे। जैसा अभी क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट में हम लोग चैंपियंस है, ठीक है, हमारा इंडिया बहुत अच्छा है। हमारा फुटबॉल में आपको पता है जो सुनील छेत्री अब भी लाए हमारा फीफा में आया है, नहीं तो हमारा इंडिया टीम आज तक टीवी पे नहीं आया फुटबॉल में। तो एक सुनील छेत्री इंडिया टीम ला सकता है, यहाँ पे इतने बच्चे हैं, ये लोग भी ला सकते हैं रग्बी को। सर, कौन सा गेम खेल रहे हैं? रग्बी। रग्बी खेल रहे हैं। क्या प्रैक्टिस पहले से कर रहे थे? हाँ। कितने दिनों से कर रहे थे? कल से कर रहे थे। कल ही से कर रहे थे। आगे क्या प्लानिंग रहेगी आपकी, क्या कोशिश रहेगी, कहाँ तक खेलना है आपको? स्टेट तक खेलना है। स्टेट तक खेलना है। ये हम 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे स्कूल भी प्लस टू विद्यालय जनता के आए से है। मेरा सर ये बोल रहा है कि जो रग्बी में तुम लोग भाग लेना है चाहते हो, तो हम लोग बोले हाँ भाग लेना चाहते हैं, इसलिए मेरा सर इसमें भाग लिया और मधु प्लस टू जनता उच्च विद्यालय से यहाँ मधुबनी के कहाँ से सुगापट्टी से आए। सुगापट्टी जी सर। क्या नाम है? राहुल कुमार यादव। और स्टेट हम 3-4 बार खेले हुए, स्टेट खेले हुए रग्बी में, रग्बी खेले हुए हैं। और जो हमारा सर का स्कूल से हम लोग को पूरा सपोर्ट मिलता है और सरकार सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कमी हो जाता है, नया यानी कि अच्छा कोच नहीं मिल पाता, हम लोग को ट्रेनिंग अच्छा से नहीं मिल पाता। तो आपके कोच तो मुंबई से आए हुए हैं? मुंबई से रेफरी करने के लिए आए हैं, रेफरी है वो यहाँ पे मैच कराने के लिए आए हैं। यानी कि स्कूल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग को जो ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है, सरकार का प्रयास है, सरकार का योजना आता है लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से सब बच्चा को इकट्ठा करके अपने जो हम अगल बगल का है सबको यानी इकट्ठा किए हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उसके बाद लेके आए हैं, खिलवाए हैं। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मांग यही करते हैं हम लोग कि हम लोग को सही यानी कि मार्गदर्शन का ज़रूरी है। यानी कि एक कोच कम से कम प्रत्येक स्कूल में होना चाहिए जो यानी कि कोचिंग दे, हम लोग को ट्रेनिंग दे, यानी कि यहाँ पर जो है सपोर्ट हो। रग्बी इसीलिए आगे नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग हम लोग को सही से नहीं मिल रहा है। सब बच्चा में उत्साह है, जागरूकता है, खेलने के लिए सब बढ़िया है, ट्रेंड बच्चा सब है, लेकिन यहाँ पे सही मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है हम लोग का। मेरा नाम सुनील कुमार ठाकुर है, मैं उच्च विद्यालय शंभुआर में खेल शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा। जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 4 दिनों से चल रही है, आज उसी के अंतर्गत यहाँ पे शंभुआर उच्च विद्यालय के प्रांगण में हैंडबॉल और रग्बी 2 प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, हैंडबॉल बालक बालिका और रग्बी बालक बालिका। इसमें पूरे जिले से के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रखंडों के लगभग 100 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।